ये एक अद्भुत घटना है जो 250 या 300 साल पहले हुई। कर्नाटक के दक्षिणी भाग में एक भक्त थे और उनकी मां बूढ़ी थी। वो काशी जाकर विश्वनाथ की गोद में मरना चाहती थी, या कहें कि शिव की गोद में मरना चाहती थी। उन्होंने अपने जीवन में कभी कुछ नहीं मांगा था। ये एक चीज उन्होंने अपने बेटे से मांगी, मुझे काशी ले चलो, मैं बूढ़ी हो रही हूं, मैं वहां जाकर मरना चाहती हूं। तो वो आदमी अपनी बूढ़ी मां को लेकर चलने लगा। तो दक्षिण कर्नाटक से काशी तक जंगलों से होकर जाना एक बहुत लंबी दूरी थी, और वो पैदल चल रहे थे। बुढ़ापे की वजह से मां बीमार हो गई, तो उसने उन्हें कंधों पर उठा लिया। उसकी शक्ति खत्म हो रही थी और सिर्फ एक ही तरीका था जिससे वो चलते रहे, वो बस शिव शिव बोलते गए। उन्होंने कहा, क्या मुझे इस काम में असफल मत होने देना, बस एक ही चीज मेरी मां ने मांगी है, मुझे ये पूरी करने दें। मैं उन्हें काशी ले जाना चाहता हूं, हम बस आपके लिए ही वहां आ रहे हैं, मुझे शक्ति दीजिए। तब चलते चलते उन्होंने एक घंटी सुनी, तो उन्हें एक बैलगाड़ी और एक घंटी की आवाज आती सुनाई दी। तब उन्होंने धुंध से आती एक बैल से चलती बैलगाड़ी देखी, जो अजीब है। कर्नाटक में आप अकेला बैल देख सकते हैं, पर आसपास के इस्तेमाल के लिए, लंबी दूरी के लिए हमेशा दो बैल होते हैं, पर जंगल में अकेला बैल अजीब है। पर जब आप थके होते हैं तो इन छोटी चीजों की परवाह नहीं करते। गाड़ी आने पर उन्होंने चालक से विनती की, वो उनका चेहरा नहीं देख सके, धुंध थी और वो खुद को ढके हुए थे। मेरी मां बीमार हैं, क्या हम आपकी गाड़ी में सवारी कर सकते हैं, वैसे भी ये खाली ही है। उस आदमी ने इशारा किया तो वो दोनों चढ़ गए। गाड़ी जंगल के रास्ते से जा रही थी। कुछ समय बाद उन्होंने देखा कि ये कुछ ज्यादा ही सुगम सवारी है, ये उबड़ खाबड़ सवारी नहीं थी जैसा उसे होना चाहिए था। तब उन्होंने देखा पहिए घूम नहीं रहे थे, वो थमे थे और गाड़ी चल रही थी। तब उन्होंने बैल को देखा, बैल बैठा हुआ था और फिर भी गाड़ी चल रही थी। फिर उन्होंने ड्राइवर को देखा, बस चोगा ही था, कोई आदमी नहीं था। उसने अपनी मां की ओर देखा, मां ने कहा, अरे बुद्धू, हम पहुंच गए हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यही जगह है, मुझे जाने दो। और मां ने अपना शरीर वहीं छोड़ दिया। बैल, गाड़ी और ड्राइवर गायब हो गए। तब वो आदमी वापस लौट आया। लोगों ने सोचा, ओह, ये अपनी मां को कहीं फेंक कर चला आया है, ये उन्हें काशी नहीं ले गया, ये तो बहुत जल्दी वापस आ गया। उन्होंने कहा, तुमने अपनी मां को कहां फेंक दिया। वो बोले, नहीं, हमें जाना ही नहीं पड़ा, शिव खुद हमारे लिए आए। उन्होंने कहा, बकवास। वो बोले, आप क्या सोचते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता, वो हमारे लिए आए और बस, मेरा जीवन रोशन हो उठा है, मैं अपने भीतर ये जानता हूं, आपको नहीं पता तो आप जाने। तब उन्होंने कहा, ठीक है, तो हमें कुछ दिखाओ, किसी तरह हमें दिखाओ कि तुमने शिव को देखा, वो तुम्हारे लिए आए। वो बोले, मैं नहीं जानता, मैंने उन्हें नहीं देखा, मैंने बस एक चोगा देखा, कोई चेहरा नहीं था, कुछ भी नहीं था, वो खाली था, वो बस ऐसे ही बैठे थे। वो ऐसे बैठ गया और अचानक सब ने बस उसके कपड़े देखे, वो वहां नहीं था। वो दक्षिण भारत के महान संत बने, वो यहां वहां घूमते रहे, वो जहां भी गए लोगों ने उन्हें एक खाली चेहरे के रूप में पहचाना।
Devotion essentially means you have found a way to dissolve yourself. भक्ति मतलब आपको खुद को विलीन करने का एक तरीका मिल गया है, चाहे आपने एक देवता चुना हो या एक आदमी या औरत या बच्चा या अपने जीवन में कोई एक खास लक्ष्य। पर एक चीज साफ है कि कभी भी किसी ने अपने जीवन में कुछ भी बड़ा हासिल नहीं किया किसी चीज के लिए समर्पित हुए बिना, चाहे वो आर्ट हो, स्पोर्ट हो, म्यूजिक हो, पॉलिटिक्स हो, अध्यात्म हो, जो कुछ भी हो। जब तक आप समर्पित नहीं होंगे कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं होगा, क्योंकि भक्ति भाव बिना आप अपनी खुद की सीमाओं को पार नहीं कर पाएंगे। आप किसके लिए समर्पित हैं मायने नहीं रखता। आप चाहे जिसके लिए समर्पित हों, यह आपकी भक्ति का गुण है जो आपको रूपांतरित करेगा। भक्ति के बिना सच्चा रूपांतरण नहीं होता। भक्ति के बिना एक इंसान कभी भी पूरी तरह सशक्त नहीं होगा। हर इंसान को भक्ति अनुभव करनी ही चाहिए, और आपको ये समझना चाहिए कि ये कोई धार्मिक प्रक्रिया नहीं है। भक्ति एक ऐसा लव अफेयर है जहां आपके पास चुनाव नहीं है। Yes. एक लव अफेयर मतलब आपके पास ज्यादा चुनाव नहीं है, पर एक समय बाद आप उससे मुक्त हो सकते हैं। भक्ति एक ऐसा लव अफेयर है जहां आपके पास कोई चुनाव नहीं होता और आप उससे कभी भी मुक्त नहीं हो सकते। आप उसमें खींचे चले जाते हैं और कुछ नहीं रह जाते, क्योंकि आप कुछ नहीं रह गए तो आप सब कुछ भी हो गए।